अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई लोग, क्या हाल है? ठीक ठाक है, सब खैर खरीद। अच्छा यार, ये हुकूमत जो है ना, एक तरफ तो मान कहते हैं कि माशी जो है ना सूरत हाल बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, दूसरी तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो है ना दुकानें जल्दी बंद करो, मैरिज हॉल जल्दी बंद करो, थोड़ी बचत हो जाएगी। लेकिन ये जरा आप हिसाब लगाएं, जितने भी गुजरा सरकारी गाड़ियों पे आते हैं, सरकारी तेल यूज करके सरकारी घरों में रहते हैं, सरकारी खाने खा रहे हैं, खुद पूरे मजे लूट रहे हैं, और आके सरकारी खर्चे के ऊपर, वाम के टैक्स के पैसे के ऊपर आके जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि सरकारी बिल्डिंग में बैठ के आराम सुकून से, कि जो है ना अवाम दुकानें जल्दी बंद कर दे, अवाम मैरिज हॉल जल्दी बंद कर दे। अवाम ओ क्यों भाई, अवाम तो बेचारी टैक्स भी दे रही है, अवाम जो जो कह रहे हो कर रही है, महंगाई बर्दाश्त कर रही है, डबल कीमत पे हर चीज खरीद रही है, फिर अवाम को आके कह रहे हैं कि ये काम कर दे। मजा तो तब भाई एक दफा ये अपनी सरकारी गाड़ियां, सरकारी पेट्रोल जो है ना सेव करने के लिए सरकारी गाड़ी घर छोड़ के आए, अपने घरों में रहें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और आगे कहें लोगों को, देखें हम बचत की है, आप लोग भी बचत कर लें, इस तरह मुल्क का थोड़ा क्राइसिस से मुल्क निकल जाएगा। असल बात तो ये है, खुद ये मजे कर रहे हैं, कोई लंदन गया हुआ है, कोई दुबई गया हुआ है, कोई अमरीका गया हुआ है सरकारी खर्चे पर, करोड़ों का जो ना ट्रैवल का खर्चा उन्होंने लगा दिया 5-6 महीने में, अवाम को फिर आके कह रहे हैं जी अवाम आके दुकानें बंद करे, अवाम ये काम कर ले, अवाम और कितना बेचारा इनकी साथ दे, पीस दिया इन्होंने अवाम को, वो तो अवाम हमारी फुद्दू है बेचारी, बोलते ही नहीं, लोग किधर से किधर पहुंच गया मुल्क बोलते नहीं, फिर भी ये कह रहे हैं कि अवाम से निचोड़ लें आके चीज, अवाम से निकाल लें। भाई खुद भी कुछ करके दिखाओ ना, जो ना तारीख की सबसे बड़ी कबीना बना दी है इन्होंने, पता नहीं कितने अरकान है उसमें, सबसे ज्यादा 80 या 85 या कितने बिलावजह, वो बचत वो नहीं नजर आ रही फजूल खर्ची। अवाम को जो थोड़ा बहुत जो दे रहे हैं, जो रोटी जो सांस ले रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, उसमें से भी ये चाह रहे हैं कि वो भी उनकी बंद करें।